सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। आप लोग आ गए। नमस्ते, मेरा नाम रूपा अवस्थी है, मैं इस घर की बहू हूँ। अब आज हमारे घर में पूजा है ना, इसलिए मैं तैयारी करी थी, अभी उठा लेती हूँ। मैं ना कुछ गलती कर ही लेती हूँ, दिन में ना कम से कम 4-5-8-10 गलतियाँ तो करती हूँ। आपको पता है, आज सुबह मैं दूध उबाल रही थी, इतना उबाल दिया कि पूरे किचन में दूध ही दूध। और मैं पराठे सेक रही थी, इतना सेक दिया कि आलू के पराठे कोयले के पराठे बन गए। मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, गड़बड़ के बाद गड़बड़। मैं खुद अपने आप से परेशान हो चुकी हूँ। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार मुझसे परेशान है। पर है सब बहुत स्वीट, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे माफ भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अरे प्रेमराज जी, कैसा घर है ये, किससे बनवाया था? ताजमहल वाले मजदूरों से। उनके तो हाथ काट दिए थे ना? हाँ, कटे हुए हाथों से बना के गए थे, इसलिए हिलता है। राज, तुम हमेशा हमको क्यों पकड़ता है? अपना घर को पकड़ो, नहीं तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। अरे सुजी, घर गिरता है तो गिरने दे, तू गिर गई ना तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। शालू, सेल्फी बाद में लेना, पहले सामान की तरफ ध्यान दे। जीतू, ये मोमेंट चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, जैसे तुम्हारी पुलिस की नौकरी, एक बार तो चलेगी, आज तक वापस नहीं आई है। वेल, निकाला नहीं गया, सस्पेंड हुआ शालू। फ्रंटियर चली गई। तो ये है मेरे सास ससुर, श्री प्रेमनाथ अवस्थी और श्रीमती प्रेमलता अवस्थी। 40 साल हो गए इनकी शादी को, ना ही एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ। ये है मेरे दादाजी श्री राजनाथ अवस्थी और ये सूजी। नहीं नहीं, ये मेरी दादी नहीं है, ये इनकी नर्स है। दादाजी को दिल का दौरा पड़ा था तो ये आई थी 7 दिनों के लिए। 7 साल हो गए, आज तक वापस नहीं गई। या यूं कहूँ कि दादाजी ने कभी जाने ही नहीं दिया। ये है मेरे देवर और देवरानी। अरे वास्तु नीचे रख। इंस्पेक्टर, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर जितेंद्र नाथ अवस्थी और उनकी बीवी शालिनी अवस्थी। शालिनी अवस्थी, भाभी फोन पे बात कर रहा हूँ, धीरे बोलो ना। सॉरी सॉरी, इनको बस सेल्फी खींचने का मौका चाहिए, ये काम कुछ नहीं करती नहीं, वो भूत इनको काम करने नहीं देता ना, भूत पकड़ लेता है। हाँ, सच में। और ये मेरे सबसे छोटे देवर नरेंद्रनाथ अवस्थी, ये कॉलेज जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नंबर नंबर सिर्फ लड़कियों का वापस घर ले आते हैं, फोन का। अभी पूजा की तैयारी करें। चलो आ जाओ, ऑलरेडी लेट हो गया। चलो 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 स्लोली स्लोली। हाँ, चलो 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 छोड़ दो, कोई बात नहीं। ए रूपा, मेरा भी तो करा। क्या? जो सबका कराया। क्या? इंट्रोडक्शन। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, मैं तो इनको भूल ही गई। आओ बाहर आ जाओ। हाँ आइए ना, मैं आपका भी इंट्रोडक्शन करती हूँ, तो भूल ही जाती हूँ। हाँ। ये है अमरनाथ अवस्थी उर्फ लड्डू, इस घर के सबसे बड़े बेटे और मेरे पति। ये अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है बता? वो मुझे शर्म आती है। इसको आंसू आने चाहिए, शर्म आती है। अच्छा मेरी जाने थे, इन सबको बेलन के बारे में तो बता कि तू उससे क्या क्या करती है। वो तो इनको देख के पता चल जाएगा। पूजा के लिए देर हो रही है। अरे तू बता के देना रूपा, रूपा इनको बता के देना, बेलन बेलन इसका फेवरेट है, जैसे जूडो कराटे में होता है ना ब्लैक बेल्ट, वैसे मेरी ये बीवी बेलन में ब्लैक बेल्ट है। इसको ना काम वाम कोई नहीं आता, किसी काम की नहीं है ये, घर के सारे कामों में सबसे पीछे।
इसको बोलो कि फोन की घंटी बज रही है तो टीवी का रिमोट कान पे लगा लेगी। कभी बोलो छाछ बनानी है तो मिक्सर में नहीं, ये वॉशिंग मशीन में बनाती है। इसको बोलो चाय बना तो चाय में शक्कर की जगह नमक डालती है। और तो और एक बार इसको मैंने बोला कि मुझे शर्ट इस्त्री कर दे तो बोली आप पहन लो फिर कर दूंगी। मैंने पहन ली, सच में पीछे से आके कर गई, आज तक निशान है। इसमें ना 100 बुराइयां हैं लेकिन बस एक अच्छाई है, ये ना मुझसे प्यार बहुत करती है। सच्ची एक्चुअली गलती मुझसे ही हो गई, शादी के बाद ना मैं ना तो इसको समझ पाया ठीक से और ना इसके प्यार को। मैंने हमेशा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हम सारे मर्द ऐसे ही होते हैं ना, अपनी बीवियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है लेकिन मैंने कभी तारीफ नहीं की, आज तक कभी इसके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आया। और आपने देखा ना कितनी सुंदर है, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। पता नहीं क्यों करते हैं हम मर्द ऐसा, हम बस वही करते हैं जो हमारा मन है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन बीवियां बताएंगी ऐसी कि तैसी तुम्हारा मन है, इधर देखो हमारे हाथ में हमारा बेलन है। जी बेलन, बेलन को देखने का नजरिया बदल जाएगा जब मेरा किस्सा आपके सामने आएगा। ए रूपा सुन तो, रूपा